बाद हमने ई रिक्शा कर लिया, गाड़ी को वहीं पार्क कर दिया क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत रश है फ्रेंड्स, और आप अपनी गाड़ी से बिल्कुल ही मत जाइएगा। हमें एक सवा घंटा लगा और आपने देखा फ्रेंड्स हमें आने में बहुत टाइम लगा, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अब ई रिक्शा से चलते हैं। और यहाँ से हमें 20 रुपीज पर पर्सन है, बट 100 में टोटल हमने कर लिया है बुक पूरा। तो चलिए दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना रश है इस टाइम भी, और दोपहर में भी बहुत रश था। हम लोग बुरौलिया चौराहे जा रहे हैं और दोपहर में भी इससे ज्यादा रश था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी रास्ते में आपको फ्रेंड्स पूरी मार्केट मिल जाएगी अच्छी खासी, और इसी कंजेशन की वजह से हम लोग ने रेस्ट एरिया अपना थोड़ा होटल थोड़ा आगे को लिया है, क्योंकि यहाँ पार्किंग बहुत मुश्किल हो रही थी लेना, और हमें पार्किंग एरिया ज़रूरी था, इसलिए आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पूरी मार्केट मिल जाएगी। दोस्तों हम लोग यहाँ मंगवाड़ी फ्लाईओवर से गुड़ौलिया की तरफ जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी की तरफ, काम काफ़ी ज़्यादा है अभी। ये एक्चुअली मेन एरिया है ना शॉपिंग के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अपने लखनऊ का जैसे अमीनाबाद है उस टाइप से है ये एरिया, तो और यही रास्ता है हम लोगों का कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का, आप देख सकते हैं। तो ये लक्सा रोड है फ्रेंड्स, और मैं क्या बताऊँ, मैं दिखाना चाह रही हूँ बट दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और इतने बगल बगल से चल रहे हैं ना सब लोग कि मोबाइल निकाल के बाहर वीडियो बनाना भी रिस्क लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लखनऊ चिकन हाउस भी खुला हुआ है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग गुड़ौलिया चौराहे पे उतरे हैं और यहाँ से आगे जाएंगे। ये गुड़ौलिया चौराहा है यहाँ पे, और यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे विश्वनाथ टेम्पल के लिए। ये गुड़ौलिया चौराहा है, तो ये दोस्तों गुड़ौलिया चौराहा, और यहाँ से अंदर हम जाएंगे विश्वनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ से पैदल अंदर अंदर आपको पैदल ही जाना है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आने तो यहाँ भी आपको होटल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों टू व्हीलर पार्किंग है, ये जो बिल्डिंग आप, हाँ ये नई बनाई गई है, ये राइट साइड में ये वाली बिल्डिंग है, ये टू व्हीलर पार्किंग है गुड़ौलिया पे, और यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन भी लगा हुआ है, बट यहाँ पे लोग बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये गंगा आरती का फुटेज यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी टेंपल इधर है चलते हैं। तो ये है दोस्तों दशाश्वमेध घाट राइट साइड में, और ये इधर हम विश्वनाथ टेम्पल की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से बस 200-150 मीटर है मंदिर, तो आगे चलते हैं। फिर से फ्रेंड्स मंदिर के लिए मुड़ना होगा, ये आप देख सकते हैं, और हम लोग मुड़ गए हैं, ये देखिए अब वो पतली गली शुरू हुई है जहाँ अंदर मंदिर के लिए जाना होता है, तो इस तरह से आपको गली मिलेगी, दुकानें मिल जाएंगी बहुत सारी आपको साइड्स में, ये सब पहले भी था फ्रेंड्स, रोड सही कर दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लॉकर में मोबाइल वगैरह सब रखना होगा, अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है ले जाने के लिए। तो ये यहाँ पे ना इधर से रास्ता है जाने का, और लौट के इधर से आएंगे हम लोग,
तो यहाँ पे हम लोग सामान रख देते हैं, मोबाइल वगैरह अब आपको अंदर का नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अलाउ नहीं है। दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और ये देखिए हमारे वही वाली गली है विश्वनाथ मंदिर वाली, और जहाँ से फोन ले जाना मना है वहाँ पे बहुत, मतलब पहले तो गली से बाहर निकलेंगे तो मंदिर था, अब तो बहुत बदल गया है और अंदर का मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और बहुत सुंदर बन रहा है मंदिर। तो लाइन भी फ्रेंड्स बहुत लंबी लगी हुई थी और टाइम लगा कम से कम नहीं एक घंटा तो लगी गया हम लोगों को दर्शन करने में, और बहुत भीड़ बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन इतना सुंदर बन रहा है देख के बहुत अच्छा लगा। वहाँ आप लोग भी आइएगा ज़रूर दर्शन करने, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग चल रहे हैं दशमेश घाट, गंगा घाट पे, और इस तरह से रोड्स हैं, तरह से गली है और दुकानें तो बहुत सारी पहले भी थी और अभी भी हैं, ये देख सकते हैं पूरी दुकानें हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करके दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं गंगा जी की, गंगा जी के तट पे। तो ये देखिए ये मेन वहाँ पार्किंग वाला जो चौराहा था उधर से इधर आए, और छोटे छोटे मंदिर आपको बहुत सारे दिख जाते हैं यहाँ पर इस तरह। तो ये फ्रेंड्स पूरा हेरिटेज साइट की तरह डेवलप किया जा रहा है, आप देख सकते हैं रोड भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। ये मुझे वैसा जैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का कॉरिडोर बना है वैसा टाइप का पूरा बनाया गया दोनों तरफ, और काफ़ी अच्छा है बहुत ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे दशाश्वमेध घाट 400 मीटर है और यहाँ से ये देख सकते हैं इस तरह से चलना है आपको। और जगह जगह पे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठने का भी बना है, कई जगह पे आप देख सकते हैं बैठने का बना है, वॉकिंग का है, और टू व्हीलर्स भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अन्नपूर्णा टेंपल और विश्वनाथ टेंपल के लिए इस तरफ जाना है, हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग दशाश्वमेध घाट आ चुके हैं और चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड है एंड यहाँ से इस नीचे की तरफ जाना है आपको, पीछे की तरफ से आए थे यहाँ पे, और उधर कुछ कंस्ट्रक्शन का चल रहा है काम, और ये देखिए मेन दशाश्वमेध घाट आइए। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं, ये चले आगे। दोस्तों ये दशाश्वमेध घाट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आप दर्शन कर लीजिए गंगा जी के, यहाँ पे देखिए नाव खड़ी है उधर की तरफ गंगा जी का है, और वो देखिए वहाँ पे वो, हाँ यहीं पे पूरे में आरती होती है, और वो जो देख रहे हैं वो मोटर बोट है। तो मोटर बोट का 1000 रुपीज चार्ज है, और पर पर्सन के हिसाब से आप जाते हैं तो आपको 100 रुपीज पर पर्सन है, ये देख सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं LCD स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे आपको आरती का दर्शन पूरा दिखा रहे हैं।
गंगा जी के घाट पे आए हैं, दशाश्वमेध घाट पे, तो आचमन कर लिया है और अभी चलते हैं पीछे पूरे गंगा जी का। और ये देखिए पीछे से घाट, हर हर गंगे। तो ये फ्रेंड्स फेमस काशी चाट, ये एक्चुअली फेमस है। और इधर आप इधर से आएंगे तो ये पड़ेगा सामने गुदौलिया चौराहा, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लाइन लगी रहती है, काफ़ी फेमस है। और देख सकते हैं आप लाइन, दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ गए वापस, ई रिक्शा में जा रहे हैं, अब वापस जा रहे हैं अपने होटल पे, और ई रिक्शा से ही जाने वाला है। यहाँ गुदौलिया चौराहे से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा होटल के लिए। तो अभी हमारा होटल जो है मटवाड़ी फ्लाईओवर के पास है, TCS ऑफिस के पास, तो उधर हम लोग चलेंगे। फिर भैया मेरा रिकमेंडेशन आता है आपका, तो फ्रेंड्स मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी मत लेके आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है और बहुत रश है यहाँ पर, और अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करिए, इसलिए आपको ई रिक्शा मिल जाएगा मटवाड़ी से 80 रुपीज़ में। हम पूरा बुक करके आए हैं और पूरा बुक करके जा भी रहे हैं, तो चलिए चलते हैं हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम लोग अपने होटल रूम पे हैं और डिनर कर लिया है। डिनर हम लोगों ने यहीं पे मंगवाया था, और दाल फ्राई, पनीर की सब्जी और राजस्थानी थाली। तो डिनर अच्छा था, यहाँ का भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी है और मारवाड़ी लोगों का है यहाँ पे, तो मारवाड़ी लोग वैसे भी शाकाहारी ही अधिकतर होते हैं। तो अच्छा खाना था और हम लोग ने डिनर कर लिया है, और मैंने नाइट स्किन केयर भी कर लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने और सुबह उठेंगे। फिर कल का प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे तुलसी मानस मंदिर और सारनाथ, उसके बाद मिर्ज़ापुर के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हो पाता है और फिर आपको दिखाया जाएगा। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स, आप मुझे बताएंगे कि कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।